the Vayu Guitar School Noida. Today I'm teaching you a three chords, a very easy chord, जो कि बहुत easy है, आराम से बजाए जा सकते हैं. First D major, G major, then A major. मैं पहले आपको strings के बारे में बता चुका हूँ. पहले मेरा एक video है, जिसमें आप देख सकते हो आराम से. फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ स्ट्रिंग एंड सिक्स्थ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग्स हैं, छह स्ट्रिंग्स हैं. एंड आपका जो क्या नाम बोलते हैं, फ्रेट्स हैं. फ्रेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, काफ़ी सारे फ्रेट्स होते हैं. तो फ्रेट्स जो होता है, जो बीच का एरिया होता है, वो बीच का एरिया, नॉट दिस आयरन रॉड, ये जो बीच का एरिया है इसको फ्रेट बोलते हैं. फ्रेट 1, फ्रेट 2, 3, 4. तो इस चीज़ का याद रखना है. फिंगर्स हमारी जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना. थंब को हम फिंगर नहीं बोलते हैं इसमें, गिटार बजाने में. हम लेफ्ट हैंड से जो बजाते हैं, या राइट ही होंगे जो लेफ्ट ही बजाते होंगे, उन राइट को राइट से उनको 1, 2, 3, 4 बोलते हैं. एनीवे, सो डी मेजर कॉर्ड के लिए हमें क्या करना है, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, फर्स्ट फिंगर, राइट, एंड अनदर वन सेम फ्रेट पे, फर्स्ट स्ट्रिंग पे सेकंड फिंगर. इस चीज़ का याद रखेंगे आपकी कि आपका जो पहला जो थर्ड स्ट्रिंग है उस पे आपने सेकंड फ्रेट पे रखना है, मतलब तीसरा वाला जो दूसरा वाला बॉक्स है जो आपका, तो इसमें आपने पकड़ा एंड आपने इस पे पकड़ा एंड आपकी जो थर्ड फिंगर है वो रह गई है. अब उसके लिए आपको सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट, थर्ड फिंगर, तो इस तरह की पोजिशन बन जाएगी. इस चीज़ का याद रखना. ये देखेंगे पहले, फिर नेक्स्ट देखेंगे, फिर नेक्स्ट देखेंगे. तो आपको समझ में आया, ये आपका थर्ड स्ट्रिंग है, सेकंड फ्रेट, फर्स्ट फिंगर, उसके बाद है फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट, सेकंड फिंगर, थर्ड सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट एंड थर्ड फिंगर. तीनों को एक साथ पकड़ा और उसके बाद आपने इसको ऐसे स्ट्रोक करना है बस. नेक्स्ट जी मेजर कॉर्ड है, आपकी सेकंड फिंगर जो है वो सिक्स्थ स्ट्रिंग पे जाएगी एंड आपकी फर्स्ट फिंगर जो है फिफ्थ स्ट्रिंग पे जाएगी एंड आपकी जो थर्ड फिंगर है वो आपकी इस पे जाएगी, आपका थर्ड फ्रेट पे, लेकिन वो स्ट्रिंग क्या होगी, फर्स्ट स्ट्रिंग होगी. तो इस चीज़ का याद रखना, तीनों को एक साथ पकड़ लेना है, सबको स्ट्रोक करना है, सबको स्ट्रोक करना है, इस चीज़ का याद रखना है, ठीक है. उसके बाद है आपका ए मेजर कॉर्ड. ए मेजर कॉर्ड में आपको क्या करना है, फोर्थ स्ट्रिंग पे एंड थर्ड स्ट्रिंग पे एंड सेकेंड स्ट्रिंग पे, आपने तीनों एक ही फ्रेट के अंदर पकड़ने, मतलब सेकेंड फ्रेट के अंदर पकड़ना है आपको तीनों को. तो आप जब इसे पकड़ना सीख लेंगे, इसको प्रैक्टिस मतलब पकड़ लेंगे एक साथ, आप इसका फिंगर जैसे बाहर ना जाए, कोशिश करें कि आप इनके लिए गैप बनाएं थोड़ा सा, ताकि फिंगर्स बाहर ना जाए. कई बार ऐसा होता है कि आप उसके लिए थंब थोड़ा ऊपर ले आएंगे तो ये फिंगर्स आराम से एडजस्ट हो जाएंगी. ये थंब ऐसे भी रख सकते हैं आप, तो इस चीज़ का याद रखेंगे. ऐसे करने के बाद आप इसको सबको स्ट्रोक करेंगे तो ए मेजर कॉर्ड बनेगा. आपने रोज क्या करना है, डी मेजर कॉर्ड, बस चेंज करना है जी मेजर कॉर्ड एंड ए मेजर कॉर्ड. आपने कोई स्ट्रमिंग पैटर्न नहीं करना है इसमें. अगर आपको ये सिर्फ कॉर्ड पकड़ने की प्रैक्टिस करनी है, एक बार पकड़ने की प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद आप स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं. जब आपकी रोज प्रैक्टिस हो जाएगी चेंज करने की, चेंज करना है आपने, शिफ्टिंग करनी है, शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी है, ये शिफ्टिंग, फिर रैंडमली आप उसको प्रैक्टिस करें, डी के बाद ए, फिर जी आए, फिर ए आए, रैंडमली आप इसे प्रैक्टिस करें. उसके बाद आप धीरे धीरे चार की स्ट्रमिंग आप रखें एक डी पे, 1, 2, 3, 4, फिर चेंज करेंगे 1, 2, 3, 4. अगर आपको जल्दी नहीं हो पा रहा तो आप बहुत स्लो करें, 1, 2, 3, 4 चेंज, 1, 2, 3, 4 चेंज, 1, 2, 3, 4 चेंज, 1. इस चीज़ का याद रखेंगे बस. मैं आज ज़्यादा ही कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपको दूंगा आगे और क्या करना है. और बहुत सारे कॉर्ड्स हैं, बहुत सारे लेसन्स हैं, लोग मुझसे लेसन्स लेते भी हैं और मैं से कई बार लेसन्स के लिए लोग बोलते हैं, मैं उनको वीडियो सेंड करता हूं एंड मेरे से बाय करते हैं, मुझसे खरीदते हैं मेरे लेसन्स. तो आप मैं नीचे मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें एंड उस पर फ़ोन नंबर भी है मेरा, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं एंड मेरे मेल में आप भेज भी सकते हैं. फेसबुक में मेरा है YU गिटार स्कूल नोएडा पेज है, आप उसे लाइक भी कर सकते हैं. प्लीज़ आप इसको प्रैक्टिस करें और रोज़ आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा और आई होप कि आप लोग बहुत जल्दी सीखेंगे, चाहे वो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या नए स्टूडेंट्स जो बनने वाले हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड एवरीवन,
सबको मैं ये बोलूँगा प्रैक्टिस करें रोज और बहुत अच्छा करेंगे आप। सो थैंक यू सो मच, रखना चाहूँगा। अब जब भी टाइम मिलेगा आप मुझे मैसेज या मेरा पेज में या मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।